भंडारकर की फिल्म बबली बाउंसर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के साथ फैशन फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी की। उनकी फिल्म बबली बाउंसर में तमन्ना भाटिया ने मुख्य भूमिका निभाई है और इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस फिल्म के बाद मधुर अपनी दो और बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे थे। पिछले कुछ समय से ये खबर आ रही थी कि मधुर फैशन के बाद एक बार फिर से कंगना रनौत के साथ फिल्म करने वाले हैं, जिसे लेकर अब मधुर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी है। मधुर भंडारकर ने हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से लेकर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स तक कई चीजों के बारे में बात की। लेकिन इस बीच ही मधुर भंडारकर ने कंगना रनौत के साथ फैशन के बाद दोबारा फिल्म करने को लेकर कहा, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कंगना रनौत एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। हम मिलते हैं और बातचीत भी करते हैं, लेकिन मेरा फोकस अभी पूरा बबली बाउंसर पर है और मैं इसके बाद अपनी फिल्म इंडिया लॉकडाउन को फॉलो कर रहा हूँ। बता दें कि मधुर भंडारकर ने फिल्म फैशन में कंगना रनौत के साथ काम किया था। इस फिल्म में उनके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मधुर भंडारकर बबली बाउंसर के साथ 5 साल बाद डायरेक्शन में लौटे हैं। तमन्ना भाटिया की इस फिल्म के बाद वो दो और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसका ऐलान वो जल्द ही करेंगे। वहीं कंगना रनौत की फिल्म की बात करें तो वो जल्द ही इंडिया की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर बन रही फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन कंगना रनौत खुद कर रही है। कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जो कि दर्शकों को काफी पसंद आया। इतना ही नहीं, कंगना हूबहू इंदिरा गांधी की तरह ही नजर आ रही थी। कंगना के साथ इस फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और मिलिंद सोमन जैसे स्टार्स नजर आएंगे। कंगना की इस फिल्म का विरोध अभी से शुरू हो गया है। कांग्रेस इस फिल्म पर नाराजगी जाहिर कर रही है। इस फिल्म के अलावा कंगना के पास तेजस नाम की फिल्म भी है, जिसमें वो एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। इतना ही नहीं, वो सीता नाम की फिल्म भी कर रही है। बता दें कि इस साल रिलीज हुई कंगना की फिल्म धाकड़ से दर्शकों को काफी उम्मीदें थी। फिल्म का ट्रेलर भी काफी पसंद किया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साथ ही क्रिटिक्स और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया था। कंगना इन दिनों ब्रह्मास्त्र फिल्म की काफी आलोचना कर रही है। कंगना की माने तो फिल्म की कमाई के आंकड़े फेक है। उन्होंने रणबीर, आलिया से लेकर करण जौहर तक को जमकर लताड़ लगाई है। बता दें कि बीते काफी टाइम से बॉलीवुड का बुरा हाल हो रखा है। आमिर से लेकर अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही हैं। ऐसे में ब्रह्मास्त्र कहां से कमाई कर रही है, इसी को लेकर कंगना कंफ्यूज्ड है और करण जौहर पर तंज कस रही हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि मधुर भंडारकर के इस बयान पर कंगना किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।